जब मेरे कौरव और पांडव कुशल योद्धा बन गए हैं और आज वो अपने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा से अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करेंगे। एस राजमौली देश के फेमस फिल्म मेकर्स में से एक है। वो ऐसी फिल्में बनाने की वजह से जाने जाते हैं जो सिनेमा को एक कदम आगे लेकर जाती है, और अब ऐसे में एक बार फिर से राइटर और डायरेक्टर एस राजमौली ने एक नया अनाउंसमेंट किया है। जी हाँ, इस बार वो फिल्म बनाने वाले हैं हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथों में से एक महाभारत पर। वेल, आपको बता दें कि महाभारत पर फिल्म बनाने की इच्छा राजमौली की काफी सालों से रही है। उन्होंने एक इंटरव्यू की तरह ने कहा कि ये उनका सपना है। इसे पढ़ने में कितने साल लगेंगे, फिल्म कितने पार्ट में आएगी और इस पर कब काम शुरू होगा, इसके बारे में खुद ऐसा राजमौली ने बताया है। बता दें कि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो रीजन महाभारत पर एक ट्विस्ट डालने वाले हैं और स्क्रिप्ट लिखने के बाद ही कास्टिंग वाले वो हिस्से पर आएंगे। हालांकि इस इवेंट में कुछ हिंट देते हुए उन्होंने स्टारकास्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में कई सारे अलग अलग स्टारकास्ट होगी, यानी कि मल्टी स्टारर फिल्म ये होने वाली है, जिसमें आमिर खान, ऋतिक रोशन, प्रभास, अल्लू अर्जुन का भी इन्होंने नाम लिया है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक्टर यश भी इस फिल्म में हो सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि एस राजमौली की ये फिल्म काफी बड़े पैमाने पर तैयार की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस फिल्म को मैं 10 पार्ट्स में बनाऊंगा। जिस तरीके से राजमौली टीवी पर 266 एपिसोड शो महाभारत का फिल्म में बदलने का लंबा सपना देख रहे हूं, उसी तरीके से फैंस भी एस राजमौली की इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। साथ ही एस राजमौली ने ये भी कहा कि मैं जो भी फिल्म बनाता हूं, मुझे लगता है कि मैं महाभारत बनाने के लिए कुछ ना कुछ सीख रहा हूं, इसलिए ये मेरा सपना है और हर कदम मैं उसी सपने की ओर आगे भी बढ़ रहा हूं। वेल, एस राजमौली की फिल्म महाभारत पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और भी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।